हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ममास किचन में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गुजराती स्टाइल का आम का छुंदा। कच्चे आम से ये छुंदा बनता है और ये थेपले के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। दो अलग अलग तरीके से इसे बनाया जाता है। एक तो उसको धूप में कम से कम 4 से 5 दिन रख कर उसको बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने ये झटपट छुंदे की रेसिपी लाई हूँ, सिर्फ 15 मिनट में ये छुंदा बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आम का छुंदा या मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ी साइज़ का राजापुरी आम। आप किसी भी आम से ये बना सकते हो, कच्चा होना चाहिए। उसको अच्छे से धोकर वॉश करके उसको पोंछ लिया है। अब उसके छिलके निकाल लेंगे, बहुत ही केयरफुली ये छिलका निकाल लें आप। मैंने यहाँ पे राजापुरी आम क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि राजापुरी आम जो है वो बहुत खट्टा नहीं होता है, उसमें कम चीनी यूज़ होती है, तो इसलिए मैंने राजापुरी आम लिया है। जनरली ये छुंदा राजापुरी आम से ही बनाया जाता है, क्योंकि ये साइज़ में बड़ा होता है तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग ये छुंदा बना सकते हो। अब आम के छिलके निकाल के आम रेडी है, तो उसको हम लोग ये मीडियम साइज़ की जो ग्रेटर आती है उससे हम लोग ग्रेट करेंगे। जनरली यही साइज़ की जो ग्रेटर आती है वही साइज़ से हम लोग ग्रेटर करेंगे, आपके पास जो है वो यूज़ करें। ग्रेट करते समय आप अपने हाथों का ख्याल रखें, क्योंकि वो बहुत ही शार्प होती है। अब आप देख सकते हो यही साइज़ की हमको ये आम जो है उसको ग्रेट करना है। अब आम तैयार है ग्रेट करके, तो उसको हम लोग एक बाउल में लेंगे मेज़रमेंट के लिए। ये बाउल पौना बाउल भर चुका है, तो वही मेज़रमेंट से हम लोग शक्कर भी लेंगे। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा शक्कर ले सकते हो, इससे आप कम शक्कर ना लें। अब सबसे पहले एक कढ़ाई ले लें और कढ़ाई में आम और शक्कर हम लोग मिला लेंगे। अभी हमको गैस पे नहीं उसको चढ़ाना है, पहले नीचे ही हम लोग थोड़ा सा शक्कर को मेल्ट कर लेंगे। अब मैंने शक्कर यहाँ पे डाल दी है, आम और शक्कर दोनों। थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जितना नमक ऐड करें। अब तीनों सामग्री को अच्छे से मिक्स करनी है। सिर्फ 3 से 4 मिनट तक आप इसे हिलाएंगे तो शक्कर धीरे धीरे करके मेल्ट होती जाएगी और शक्कर का पानी छूटने लगेगा। अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, शक्कर अच्छे से गल चुकी है, अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं, तो उसको हम लोग गैस के ऊपर चढ़ाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रख के उसको कंटिन्यूसली आप हिलाते रहें, जब तक कि शक्कर अच्छे से पिघल जाए और उसकी चाशनी बनना स्टार्ट हो जाए तब तक हमको उसको हिलाना है। गैस की आंच जो है वो मीडियम पे ही रखें, बिल्कुल ही समय नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट में ये जो चाशनी है वो तैयार हो जाती है। यहाँ पे हमें सिर्फ पिघलाना नहीं है, यहाँ पे हमें शक्कर की चाशनी तक, चाशनी बनने तक उसको चलाना है। आप देख सकते हो शक्कर अच्छे से पिघल चुकी है, मगर अभी वो थोड़ा वाटर फॉर्म में है, तो उसको थोड़ा और हम लोग चलाएँगे। 2 से 3 मिनट में ही शक्कर इतनी पिघल जाती है। अब आप देख सकते हो साइड में झाग हो रहे हैं, मगर अभी भी जो है चाशनी है वो एक से एकदम वाटर की तरह ड्रिप होती जाती है, अभी भी वो एक तार की चाशनी नहीं बन रही। जैसे हम लोग चेक कराएं तार बन के टूट जाता है तो और उसको चलाएंगे, जब तक कि पूरी एक तार की चाशनी बने हम लोग चेक करते जाएंगे बीच बीच में चाशनी बनी है कि नहीं, तब तक उसको चलाएंगे। वापस हम लोग एक बार चेक करेंगे। अब आप देख सकते हो एक तार अच्छे से लंबा तार खींच रहा है, तो अब ये चाशनी जो है हमारी परफेक्ट बन चुकी है। अब उसको ज़्यादा नहीं चलाना है, कम 2-3 मिनट तक ऐसे चलाते रहें। फिर से एक बार आपको दिखाती हूँ एक तार की चाशनी कैसे बनती है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से उसकी चाशनी बन चुकी है। ये थोड़ा गर्म होता है तो आप ज़रा ध्यान से करें। यहाँ पर जो आपकी चाशनी बरोबर नहीं बनेगी वो थोड़ी सी जो कच्ची रहेगी, यानी कि थोड़ी सी वाटरी रहेगी, तो आपका जो ये छुंदा है वो लंबे समय तक आप उसको स्टोर नहीं कर पाओगे। उसके ऊपर थोड़े ही टाइम में फंगस आ जाएगी, तो आपको वो श्योर करना है कि उसकी चाशनी जो है परफेक्ट बननी चाहिए। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और उसको ठंडा होने देंगे।
जब तक कि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक उसको ठंडा करना है। अब आप देख सकते हो हमारा छुंदा जो है अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा वो थिक भी हो चुका है, तो परफेक्ट चाशनी है। अब उसमें हम लोग 1 टेबल स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है क्योंकि उससे जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है, और 1 टीस्पून जितना भुना जीरा पाउडर मैंने ऐड किया है, ये बहुत ही अच्छी खुशबू देता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है छुंदा में। अब दोनों सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये गुजराती स्टाइल का छुंदा जो है वो परफेक्ट तैयार हो चुका है, सिर्फ 15 मिनट में ये बन चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये छुंदे को कांच की बोतल में ही स्टोर करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप गुजराती में ये रेसिपी देखना चाहते हो तो मेरी गुजराती चैनल ममास किचन को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक हैप्पी कुकिंग फ्रॉम ममास किचन।